पार्टी ने वार्ड 83 से भाजपा का प्रत्याशी बनाया है पार्षद पद का। भारतीय जनता पार्टी का मामला हो या संगठन का मामला हो या 83 के नागरिकों का मामला हो, मेरा जीवन संपर्क इस वार्ड में रहा है। चूँकि मैं विगत 25 वर्षों से इस वार्ड में निवास कर रहा हूँ, मैं यहाँ पूर्व में भी पार्षद रहा। जनता की मांग भी थी कि आप इस वार्ड से आइए और यहाँ पर चुनाव लड़िए ताकि हम आपको अच्छे बहुमत से जिताकर इस वार्ड का संपूर्ण रूप से, जैसे वार्ड नंबर 80 का विकास हुआ है और लगातार 3 साल से वार्ड नंबर 80 प्रथम स्थान पर भोपाल में आ रहा है, साफ सफाई अन्य मामलों को लेकर इस वार्ड को भी वो स्थान मिले, इसलिए यहाँ के नागरिकों ने, कार्यकर्ताओं ने मांग करी और भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार करते हुए ये निर्देश दिया कि आपको वार्ड 83 से चुनाव लड़ना है। जब मैं यहाँ पर निर्वाचित हो जाऊँगा भारी बहुमत जनता के आशीर्वाद से, तो चाहे रोड का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे स्ट्रीट लाइट का मामला हो, चाहे पार्कों का मामला हो, चाहे चौक चौराहों का मामला हो, चाहे साफ सफाई का मामला हो, चाहे व्यक्तिगत समस्याओं का भी मामला हो, उसमें निश्चित तौर पर बहुत ईमानदारी से एक जनता के कर्जदार के रूप में मैं कार्य करूँगा और ये वार्ड हर मामले में भोपाल में फर्स्ट आए, ये मेरा प्रयास रहेगा। वो जनता में अवेयरनेस का भी प्रयास करेंगे, विभिन्न बस्तियों में टोली बनेगी, विभिन्न बस्तियों में जो हमारे कार्यकर्ता रहेंगे, सोसाइटी के अध्यक्ष रहेंगे, वही हमारे मुखिया रहेंगे और वही तय करेंगे किस वार्ड में विकास कैसा होना चाहिए। जो भी पार्षद निधि होगी या जो भी निधि में विभिन्न योजनाओं से लाऊंगा, चाहे विधायक निधि हो, चाहे सांसद निधि हो, चाहे केंद्र की योजना हो, चाहे राज्य की योजना हो, क्षेत्र के कार्यकर्ता और क्षेत्र के रहवासीगण या मेरी सेवा बस्ती झुग्गी बस्ती के जो कार्यकर्ता और नागरिक है, वो ही मिलकर तय करेंगे कि प्रायोरिटी के आधार पर कौन सा कार्य और कहाँ होना चाहिए। इसी नीति पर मैं कार्य करता हूँ और इसी नीति पर मैं आगे भी चलूँगा। मैं जहाँ पे अभी मेरा चुनाव कार्यालय है, यहीं पे हमारी कुलंग समिति द्वारा बेरोजगार बच्चों को निःशुल्क कोचिंग पिछले 10 वर्षों से वर्मा टाइपिंग के माध्यम से दी जा रही है, उसी तरह हम स्पोर्ट्स का केंद्र भी यहाँ पर चालू करेंगे, जिससे विद्यार्थी यहाँ पर आकर भगत सिंह एकेडमी हम खोलेंगे यहाँ पे, जो हमारी पहले से ही है, जो दूसरे मैदान पे कार्य करती है, उसको यहाँ पर लाने के पश्चात जो आर्मी में भर्ती होना चाह रहे हैं, चाहे जैसे अभी अग्निपथ की योजना आई, तो चाहे पुलिस में भर्ती होना चाह रहे हैं, और जिस तरह से कोचिंग भी खोलेंगे, जैसे PSC UPSC की तैयारी कर सकें, 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए भी हम कोचिंग खोलेंगे, तो निश्चित तौर पर रोजगारमुखी हम कार्य करेंगे, तकनीकी रूप से उनको बहुत मजबूत करेंगे ताकि वो IIT में जा सकें, BE कर सकें, MBBS कर सकें, MTech कर सकें, उस स्तर के हम गुणवत्ता का प्रयास करेंगे कोचिंग के माध्यम से और स्पोर्ट्स के माध्यम से हम उनको विभिन्न रोजगार की उपलब्धता कराएंगे।